अच्छा, आज हम देखेंगे कि हाउ टू लर्न अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग। काफी अहम टॉपिक है हमारा आज का, ठीक है। इसके ऊपर जो है, सबसे पहले आपने जो है देखना होता है कि कितने सेलर जो है अमेज़न FBA जो है वो सेल कर रहे हैं और कितने FBM सेल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे प्राइस का डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपके सामने समरी रखूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू होता है ना, वो प्राइस डिफरेंस का होता है। अगर एक बंदा एक प्रोडक्ट 149 का सेल कर रहा है और वही वाली प्रोडक्ट दूसरा बंदा 223 की सेल कर रहा है, तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं। उसमें जो है हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन तभी होता है जब एक बंदा कम प्राइस में सेल कर रहा हो और दूसरे सेलर के पास वही जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा में अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब ज्यादा प्राइस में। अगर $240 की प्रोडक्ट है सेम, उसी के ऊपर आपको ऑर्डर आया और आप किसी और बायर से ले लेते हो, किसी और सेलर से आप उसे जाके बायर कर लेते हो जो कि 149 का 180 का सेल कर रहा होता है, ठीक है, तभी जाके आपको प्रॉफिट होता है। और हाँ, बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए, आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए बिजनेस प्राइम आईडी की, ठीक है। बिजनेस प्राइम आईडी क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है अमेजोन बिजनेस प्राइम आईडी। बिजनेस प्राइम, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये, अब मैं आपको बता दूं इसका फायदा क्या होता है। एक नॉर्मल सेलर होता है और एक है बिजनेस, एक नॉर्मल बायर होता है और एक होता है बिजनेस बायर, ठीक है। जो नॉर्मल बायर होता है उसको जो उसको टैक्स वगैरह भी पे करना पड़ता है, बाज दफा उसको शिपिंग कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। जो बिजनेस बायर होता है उसको शिपिंग भी फ्री होती है और किसी किस्म का टैक्स भी नहीं लगता, ठीक है। उसके पास जो प्राइस शो हो रही होती है, ठीक है, बाज पर नॉर्मल सेलर नॉर्मल जो बायर है उसको प्राइस शो नहीं हो रही होती मेन प्रोफाइल के ऊपर। अगर मिसाल के तौर पे मैं हूँ एक नॉर्मल सेलर, मैं ये प्रोडक्ट बाय करने के लिए आया हूँ, ठीक है, तो मुझे बाज दफा यहाँ पे प्राइस शो नहीं हो रही होती। अगर मैं बिजनेस बायर हूँ तो मुझे इसकी प्राइस भी शो होगी, तो मुझे ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर एक बिजनेस प्राइस होगी जो कि सारे सेलर से कम होगी, ठीक है। एक जो प्रोडक्ट है उसको बिजनेस सेलर भी सेल कर रहा होता है, एक होता है बिजनेस बायर जो कि बाय करने आया है, एक होता है बिजनेस सेलर जो कि सेल कर रहा है, ठीक है। तो आपको बिजनेस प्राइस यहाँ पर नजर आ जाती है जो कि बाकी सेलर्स की निस्बत कम होती है, तो आप जाके वहां से बाय करते हो और जो है एक नॉर्मल जो बायर है उसको आप सेल कर देते हो। अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है जिसने ऑर्डर प्लेस किया, नॉर्मल बायर है वो, ठीक है, उसकी उसने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपकी प्राइस है $223, ठीक है, और आपके पास बिजनेस प्राइम के तीन चार अकाउंट हैं, ठीक है, बिजनेस प्राइम बायर के, ठीक है। आपने वही वाला जो प्रोडक्ट है जो उसने $223 में आपको प्लेस किया ऑर्डर, वही वाला जो प्रोडक्ट है आपको बिजनेस अकाउंट के ऊपर $180 का मिल जाता है, तो आप वहां से बाय करके, ठीक है, उस जो कस्टमर है उसको आप भिजवा देते हो, ठीक है। ये तो ये है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपके पास जो है बिजनेस प्राइम की आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी जो है यहाँ पे मेंबरशिप का होता है कि आप किस तरह से बाय करते हो, ठीक है। ये तकरीबन इसकी जो प्राइस लगी हुई है यहाँ पे 69 का पर ईयर का, 179, 479 में 10 बंदे यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब कि आप दूसरे एम्प्लॉयर्स को भी आईडी दे सकते हो, ठीक है। अब एक बंदा आता है जिस बंदे ने ड्रॉप शिपिंग करनी है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो क्लाइंट मुझे कैसे वर्क देगा और कैसे मैंने उसके साथ काम करना है, ठीक है। तो वो मुझे अपना अकाउंट तो देगा, सेलर अकाउंट के साथ साथ मुझे बिजनेस प्राइम की आईडी भी देगा, समझ रहे हो बात, कि वो दो चीजें देगा। दोनों के ऊपर LLC रजिस्टर्ड होना चाहिए, LLC रजिस्टर्ड होगा, B2B अकाउंट होगा, तो आप इजीली प्रॉफिट मार्जिन में सेल भी कर सकते हो और इजीली बाय भी कर सकते हो। सबसे पहले अमेजोन टू अमेजोन जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए आपके पास बायर अकाउंट होने चाहिए, 10-12 अकाउंट होने चाहिए। जो बड़ा सेलर होता है ना उसके पास हमेशा तकरीबन 15 से 20 अकाउंट होते हैं, ठीक है, जहां से वो बाय करता है, ठीक है, बाय करता है और फिर आगे सेल करता है। एक बंदे से उसने सस्ता पकड़ा,
और आगे महंगा बेच दिया, ये होती है अमेजोन को अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको मेंबरशिप जो है उसके बारे में बता रहा हूँ। कह रहा है कि 100 बंदे इसे यूज कर सकते हैं, तकरीबन $1,000 $10,000 तक जो है इसकी प्राइस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो मेन चीजें हैं आपको उनका ख्याल रखना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये दो, ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट और मेंबर ओनली ऑफर्स। ये आपके पास होगी तो आपकी जो प्रोफाइल है ना बिजनेस अकाउंट की, वो 100% एक्यूरेट और बेस्ट होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप GST इनवाइस जो है वो आप लगा रहे, तो इसके ऊपर आपको 25% 28% जो है आपको ऑफ मिलता है। ठीक है, जब आपको ज्यादा ऑफ मिलेगा तो आपके पास प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, आप ज्यादा डील्स मंगवा सकते हो, मतलब कि एक है ना एक अकाउंट है बिजनेस का, उसके ऊपर लिमिट है कि आप 5 से ज्यादा जो है ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, 5 से ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास अगर प्रोफेशनल है अकाउंट तो आप तकरीबन 30 या 40 से ज्यादा भी ऑर्डर जो है एक ही प्रोडक्ट के प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फास्ट एंड रिलायबल शिपिंग, ठीक है, ये आपको जो है फास्ट डिलीवरी मिलती है, इसमें 2 से 3 दिन में आपको मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। A to Z गारंटी, हर चीज की गारंटी होती है इसमें कि आपको रिफंड भी होगा। ठीक है, इजी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट, आप इजीली, मतलब कि एक बंदे ने ऑर्डर किया ठीक है और वो ऑर्डर जो था वो डैमेज था, मे बी उसकी पैकिंग पैकिंग में कोई इशू आ गया, ठीक है, तो वो इजीली रिटर्न भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा सिक्योर योर अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो सिक्योर रहता है, इसके ये फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी बंदा आपसे पूछता है ना अमेजोन को अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, तो आपने उसको अमेजोन प्राइम बिजनेस अकाउंट का बताना है, ये होना चाहिए तो ही ड्रॉप शिपिंग होगी, वरना फेल है आपका काम। ठीक है, ये सबसे अहम बात मैंने आपको बता दी। अच्छा द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड बाई अमेजोन, इफ नॉट देन द बाय बॉक्स सेंस टू अ नॉर्मल सेलर। अच्छा अब यहाँ पे एक और बात, अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर, अमेजोन के ऊपर, तो यहाँ पे हम कैटेगरी में जाएंगे बेस्ट सेलर में, मूवर एंड शेकर में। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ एक्सटेंशन है उसका भी बता दूं। यहाँ पे आपके पास एक एक्सटेंशन है कीपा, ठीक है, ये ड्रॉप शिपिंग में हम कम यूज करते हैं, मे बी आपके पास होना चाहिए। सबसे अहम जो आपके पास है जो एक्सटेंशन है उसका नाम है DS क्विक व्यू। ठीक है, ये वाली जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, DS क्विक ये आप जो है गूगल से डाउनलोड कर लेना, अभी काफी सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं जिनको ऐड करना है मैंने, आप इसको ऐड कर लेना। ठीक है, DS अमेजोन क्विक व्यू, ठीक है इसका नाम है ये, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप इसे यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर में आया हूँ, बेस्ट सेलर में आने के बाद मैं यहाँ से ग्रोसरी की प्रोडक्ट में जाता हूँ। ठीक है, ग्रोसरी की प्रोडक्ट में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे मुझे ये सारा कुछ बता रहा है, ये देखो सोल्ड बाय अमेजोन ये मुझे बता रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, और नीचे जब मैं आता हूँ तो 10 FBA सेलर सोल्ड बाय अमेजोन, यहाँ पर भी 1 FBA सेलर है। ठीक है, और यहाँ पर भी सोल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मैंने ओपन किया, इसका वो मुझे बेस्ट सेलर रैंक भी बता रहा है, 182 है। ठीक है, 182 इसका बेस्ट सेलर रैंक है, सारी हिस्ट्री आपके सामने शो कर देता है। अच्छा अब यहाँ पर आपने देखना है प्राइस, प्राइस मैंने आपको बताया ना कि प्राइस मैटर करती है, एक बंदे की प्राइस लेस होनी चाहिए और दूसरे की हाई होनी चाहिए, जो हाई है वो सबसे ज्यादा जो है आपकी आपकी प्राइस हाई होनी चाहिए और दूसरे की प्राइस लो होनी चाहिए जब ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो कि क्लाइंट आपसे करता है कि आप कैसे अमेजोन पे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करोगे, तो आपने उसको बताना है जो हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर सबसे पहले बाय बॉक्स होना चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो प्राइस है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक बंदा यही वाली जो प्रोडक्ट है वो इसे सेल कर रहे हैं, आप 32 का सेल कर रहे हो और जो दूसरा बंदा है वो इसको 25 का सेल कर रहा है, तो ऑर्डर आपके पास आया है, आप
25 वाले से बाय करके उसको पहुंचा दो, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये अदर सेलर, अदर 26 दूसरे सेलर थे, ठीक है। अब यही बंदा जो है टॉप पे क्यों आ रहा है, इसके पास जो है अच्छी रेटिंग है और इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। अच्छा एक मिनट मैं देख लूँ, ये सोल्ड बाय अमेजोन है, ये देखें वो कह रहा है शिप एंड सोल्ड बाय अमेजोन। सबसे पहले क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सोल्ड बाय अमेजोन है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छा ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पर, अमेजोन के दो मेथड हैं, दोनों में आपको बताऊंगा, दोनों के क्राइटेरिया अलग अलग हैं, ठीक है। हम क्राइटेरिया नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे जो है अगर मैं देखूँ अमेजोन की प्राइस 32 है, 32 में अमेजोन सेल कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे आने के लिए मुझे अपनी जो प्राइस है वो बाकी बाकी लोगों से डाउन रखनी चाहिए। अब ये बंदा सेकंड नंबर पे क्यों आ रहा है, ये 38.95 का सेल कर रहा है, ठीक है। इसका नाम है स्काई ग्रोसर्स, ठीक है। अच्छा दूसरा जो है 38.97 का सेल कर रहा है, थर्ड पोजिशन पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो 39.08 का सेल कर रहा है, ऐसा ऐसा प्राइस बढ़ती जा रही है, ठीक है। 40, 41, ठीक है। उसके बाद ये बंदा 27 वाला भी आया यहाँ पे, ठीक है। मे बी इसकी जो रेटिंग है वो कम हो या इसके पास बाय बॉक्स ना हो, इसलिए ये पहले पेज टॉप पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन बाकियों की निस्बत इसकी रेटिंग यहाँ पे अच्छी है। 2647 की इसकी रेटिंग है, बाकियों के 300, 400 या इसके दरमियान ही है। ये 15,000, 1500 वाला भी है, लेकिन इसकी प्राइस हाई है। तो आप जब भी काम करते हो आप सब प्राइस देखते हो कि एक जो बंदा है वो प्राइस जो है, प्राइस का डिफरेंस होता है बिटवीन हाई एंड लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इस बंदे को कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है। हम जाएंगे अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर में, ये रेवेन्यू कैलकुलेटर मैंने ऑन किया हुआ है। यहाँ पे आपने सबसे पहले उसका एसएन नंबर डालना है, ये एसएन नंबर यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, यहाँ से आके ट्राई एन अदर प्रोडक्ट यहाँ पे प्लेस करूंगा, सर्च करूंगा, वही प्रोडक्ट मेरे सामने आ गया, ठीक है। वो बंदा कितने का सेल कर रहा था, 43 का, ठीक है। और मुझे अमेजोन से वो कितने का मिलता है, ठीक है, यहाँ से वो भी मैं देख लेता हूँ, मुझे 32 में मिलता है। सपोज करो अभी मैं सिर्फ आपको जो है प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ कि अमेजोन से लिया और अमेजोन पे ही सेल कर दिया, ठीक है। मेरे पास ऑर्डर आया 43 वाली प्राइस के ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 32 वाले से लेके उसको सेल कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ मुझे कितना मार्जिन इसके ऊपर हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 32.16, ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, तो मुझे $4.39 का इसके ऊपर प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये वाली जो फीस है ये अमेजोन की है, इसे हम रेफरल फी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इस ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको मैं शीट के अंदर इंटर कर दूंगा, ठीक है। इसका SKU बनाऊंगा AMZ, ठीक है। आगे इसका SN नंबर लिख दूंगा, ये जो SN नंबर मैंने कॉपी किया हुआ था ये वो लिख दूंगा, स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है गेटेड तो नहीं है ये मैं चेक करूंगा, ठीक है, अभी मैंने चेक किया नहीं। BSR कितना है वो मैं इसका देख लेता हूँ यहाँ से, अगर आपने कीपा इंस्टॉल किया हुआ है ना तो आपको सेलर रैंक किसी भी पता लग जाएगा, वरना आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 182 इन द ग्रोसरी, ठीक है। तो आप FBA टूल किट में जाओ, वहां से आप देखो पहले इसके एक दिन में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, ग्रोसरी की आइटम यहां पे मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ये ग्रोसरी आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं 182 लिखूंगा, यहां से मुझे पता लग जाएगा कि ये वाली जो प्रोडक्ट है एक दिन में कितने यूनिट सेल हो रहे हैं इसके, 95 यूनिट एक दिन में सेल हो रहे हैं, ये 182 बहुत अच्छा सेलर रैंक है, ठीक है। आपका जो सेलर रैंक है अमेजोन टू अमेजोन वो 40K से लेस होना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छा होगा जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा
तो मैं अभी जो है कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको, 96 को मल्टीप्लाई करो आप 30 पे, आपको पता लग जाएगा कि एक महीने में इसकी सेल कितनी हो रही है। 96 मल्टीप्लाई 30, 2880 यूनिट सेल हो रहे हैं टोटल। सेलर आप देख लो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर 15 सेलर हैं, ठीक है, जो इसे सेल कर रहे हैं, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 15 पे, 192 यूनिट एक बंदे को जा रहे हैं इसके, ठीक है, 192 यूनिट एक बंदा जो है सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन है इस प्राइस के अंदर, 43 में, 43 का अगर आप एक यूनिट सेल करते हो तो आपको कितना इसके ऊपर मार्जिन मिलता है, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 4.39 का, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा स्लाइड की तरफ वापस आता हूँ। टारगेट द सेकेंड प्राइस पोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, देयर शुड बी अ प्राइस डिफरेंस विद अदर सेलर्स, ये सारा जो क्राइटेरिया मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपको। प्रोडक्ट रिव्यूज शुड बी मोर देन 100, मी टू सेलर शुड बी मोर देन 4, BSR लेस देन 40K, ठीक है, रेटिंग आपकी 4 होनी चाहिए, प्राइस शुड बी मोर देन $8, ठीक है, अमेजोन टू अमेजोन के लिए, ठीक है। नॉट अ ग्लासी मटीरियल, टूटने वाला नहीं होना चाहिए, गेटेड भी नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेलर शुड बी FBM, ठीक है, जो सोल्ड बाय आ रहा होगा वहां पे FBA आना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो सेलर हैं वो FBM होने चाहिए, पता चले कि ड्रॉप शिपिंग हो रही है। अच्छा, हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो इसमें लॉस भी हो रहा है। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ 40, अब यहाँ पे जो है 32 वाला, 33 वाला भी था एक, हम देख लेते हैं उस बंदे को कितना मार्जिन हो रहा है, ठीक है। 33.97 था, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमें $3 जो है हमें तकरीबन इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेकेंड पोजीशन गेन करने के लिए, हम इस प्रोडक्ट को अगर हमने लिस्ट करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे आकर इसे देखेंगे कि सबसे कम प्राइस तो अमेजोन की है। किधर गया, ये वाला है, ट्वेंटी फाइव में, हाँ हाँ ये वाला, सपोज कर, हाँ 25 में अगर ये मुझे मिल रहा है एक प्रोडक्ट, ये हम दूसरे किसी प्रोडक्ट की तरफ आए हैं, ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये बाय बॉक्स जो है किसी एक आम सेलर के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे देख ले। तो अगर मैंने इसे कम्पीट करना है, आप सपोज करो कि यहाँ पे अमेजोन है या कोई भी सेलर हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपने सेकंड पोजीशन को गेन करना है। कैसे गेन करना है, वो 25.60 का सेल कर रहा है, तो आपने यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो बंदा आ रहा है उससे कम प्राइस रखनी है। आप 32.110 रखोगे या 32 रखोगे या 31 रखोगे, ठीक है, ताकि आप सेकंड पोजीशन गेन कर सको। मैं नीचे जाऊंगा तो नीचे प्राइस बढ़ती जाएगी इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो एक बंदा मुझे नजर आ रहा है 32.16 वाला, ठीक है, तो मैंने अगर सेकंड पोजीशन गेन करनी है इसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो मैं इसको 31 का सेल करूंगा या 32 का सेल करूंगा। ये मुझे कितने का मिल रहा है, 25 का, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ अभी इसका एसएन, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं जरा क्विकली करूंगा आपको समझ आ सके। हाँ, ये वो प्रोडक्ट आ गई है, कितने का था, 25 का मैंने इसे बाय करना था, और सेल कितने का करना था, 31 का, ठीक है, 31 का अगर मैं इसे सेल करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, मुझे कितने का मिलेगा, 25.60 का ये मुझे मिलेगा, और मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसके ऊपर मुझे मार्जिन हो रहा है 0.75 का, ठीक है। अच्छा, हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं ऐसे ही। मूवर एंड शेकर, यहाँ से ग्रोसरी के प्रोडक्ट में आता हूँ मैं, ग्रोसरी के प्रोडक्ट में आके मैं देख लेता हूँ कि प्राइस तो है तकरीबन 20+ हो, ये वाला भी देख लेते हैं, और नीचे आते हैं ये
ये वाला पहले देख लिया हमने, इसको भी ओपन कर लो आप, इसको भी ओपन कर लो आप, ठीक है। ये तीन प्रोडक्ट्स मैंने आपके सामने ओपन किए हैं, ठीक है। अब मैं ये जरा काम जो मैंने आपको बताया ये मैं जरा क्विकली करूंगा ताकि थोड़ा रिपीट भी हो जाए और आपको पता भी लग जाए, ठीक है। शिप फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय कोई और सेलर है, ठीक है, वो इसे FBA अमेजोन के वेयरहाउसेस से शिप कर रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बाकी और कितने सेलर हैं इसके साथ, 20 और सेलर्स हैं और उनकी जो प्राइस है 30 वाला पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है, जो कि ये खुद है पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, सेकंड नंबर पे भी 30 वाला आ रहा है, हाई कंपटीशन है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर हमें, अगर मैं सेकंड पोजीशन भी गेन कर लेता हूँ तो या पांचवी पोजीशन, तो मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है क्योंकि 0.15 जो फी है वो अमेजोन की होती है, तो इसके ऊपर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं दूसरी किसी प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे ये है 29.88 का, तो सोल्ड बाय किससे है इसके ऊपर, मेरे ख्याल में हाँ फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, ठीक है। इसके ऊपर बाकी सेलर्स भी देख लेते हैं हम, इस प्रोडक्ट पे आते हैं हम। ये भी ऑटो डिलीवर है, कोई और देखते हैं हम यहाँ से जो कि हमें बेस्ट लगे सही। ये है, दूसरे सेलर्स भी देख लेते हैं। ये अब ये देखो, ये जो प्राइस है इसके, इसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 18 का ही सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 20 से लेस वाली जितने भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, ठीक है। आप हमेशा हाई फाई प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। अब मैं यहाँ पे कोई और कैटेगरी देखता हूँ, होम एंड किचन की तरफ जाता हूँ, तो हमें कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, ठीक है। होम एंड किचन में अगर मैं आता हूँ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ये 29.95 का सेल हो रहा है और थ्री अदर सेलर्स, बाकी जो है वो भी तकरीबन 29 से 30 के दरमियान ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें मार्जिन नहीं होगा। होम एंड किचन में देख लेते हैं, कोई हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट जो है वो मैं यहाँ से उठाता हूँ, उसके ऊपर हमें कुछ हो गया। अच्छा, वेजिटेबल चॉपर एक प्रोडक्ट है मेरे जहन में आया, उसके ऊपर चेक कर लेते हैं हम, वेजिटेबल चॉपर, ठीक है। ये वाला ओपन कर लिया मैंने। अच्छा, इसके साथ कितने सेलर हैं तकरीबन, ये भी 29.9 का मिल रहा है, तकरीबन 10 सेलर हो रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। जो कि इसे सेल कर रहे हैं, ये देखिए एक बंदा 34 का इसको सेल कर रहा है, 35 के करीब करीब, ठीक है। तो इस बंदे को एक कोई 70 से 80 सेंट जो है इस बंदे को प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ जरा कुछ हैवी प्रोडक्ट्स की तरफ, जैसे कि जिम की एसेसरीज हो गई, ठीक है, जिम एसेसरीज।
ये एक प्रोडक्ट है मुझे 188 वाला यहाँ पे नजर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से सुनना, मैं पहले कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहा था, अब एक हाई फाई प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं करने लगा हूँ यहाँ पे कोई। हाँ, इसके साथ भी दूसरे सेलर्स हैं, ठीक है। अब ये जो है 188 वाला तकरीबन 199 प्राइस बनती है इसकी, ठीक है। ये अमेजोन से शिप कर रहा है और सोल इसे ब्रिलियंट डॉन कोई नाम है सेलर का, वो जो इसे सेल सेल कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको जो बाकी सेलर है वो नजर आ जाएंगे। ये देखें, एक बंदा जो है इसको कुछ यूज में है लेकिन अच्छी क्वालिटी है, वो इसे $120 के करीब का सेल कर रहा है, ठीक है। तकरीबन जितने भी लोग हैं वो सारे ये जो एक्सेसरीज, अभी ये न्यू है तो ये बंदा $200 के करीब का सेल कर रहा है, ये भी तकरीबन 199 का, ठीक है। यूज लाइक न्यू $123 का ये सेल कर रहा है, ठीक है। तो जो बड़े आइटम होते हैं ना उनके ऊपर आपको प्राइस इस तरह से नजर आती है, यूज लाइक न्यू, ठीक है, न्यू, तो इसमें आपको मार्जिन होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखाता हूँ यहाँ पे जो कि स्लाइड्स में मौजूद है मेरे पास, उससे पहले हम ये प्रोडक्ट देख लें। ये 177 का है तो ये यूज्ड है। अच्छा चलो, मैं स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बेस्ट एग्जांपल रखी हुई है आपके लिए, ठीक है। ये देखें, अब ये एक जो अब तक मैंने बताया था आपको, ये एक नॉर्मल अकाउंट के ऊपर था, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट के ऊपर आपको जो प्राइस है वो शिपिंग के साथ नजर आती है, आपको बिजनेस प्राइस वहां पे नजर नहीं आती, ठीक है। अब मेरे सामने एक बिजनेस प्राइम अकाउंट जो है उससे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक प्रोडक्ट है जो कि आपको यानी कि बिजनेस प्राइस के ऊपर मिल रहा है 149 का। ये देखें, 149 का आपको मिल रहा है, और वही वाला जो प्रोडक्ट है ये भी न्यू है और ये वाला भी न्यू है, वही वाला प्रोडक्ट आपको 244 में मिल रहा है, ठीक है, सेम। तो आप ये देखो, अगर आप बिजनेस अकाउंट से आप जाके बाय करते हो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा इसके ऊपर, इसी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आप नॉर्मल अकाउंट से बाय करते हो तो आपको 244 या 243 इस तरह से एक दो जो है डॉलर की जो प्राइस है उसका डिफरेंस नजर आता है, अगर आप इसी प्रोडक्ट को बिजनेस अकाउंट से देखते हो। अब मैं अभी तक नॉर्मल अकाउंट से कर रहा था, ठीक है। अब आपको बिजनेस जो अकाउंट है उसके ऊपर से आपको करके दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर आपको बिजनेस प्राइस नजर आती है, तो आप बिजनेस प्राइस से ही बाय करते हो तो आपको हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वहां पे मिलता है, 30% 40% मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ, अगर ये प्रोडक्ट मुझे 244 में मिल रहा है और अगर यही प्रोडक्ट मुझे 149 में मिल रहा है और मैं सेल करता हूँ 244 का, तो मुझे कितना इसके ऊपर मार्जिन मिलता है। 244 यहाँ पे लिखूंगा, अभी मेरे पास एसन नहीं है तो आप कंसिडर कर लो कि ये वही वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा $149, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मुझे कितना मार्जिन मिलता है इसके ऊपर, मुझे $58 का प्रॉफिट मार्जिन होता है इसी प्राइस के ऊपर, ठीक है। अगर मैं 149 का लेके सेल करता हूँ 244 में, अगर मैं 200 का भी सेल करूँ तब भी मुझे प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर, ठीक है, 23% इसके ऊपर मार्जिन मुझे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। चले हम अब इसकी समरी देखते हैं। समरी क्या है, अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की, ठीक है। आपके पास बिजनेस अकाउंट होना चाहिए और एक नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मल अकाउंट से आप जाके प्राइस देखते हो, आपको जो है शिपिंग के साथ वहां पे मिलती है, फ्री डिलीवरी जो है बहुत कम मिलती है आपको, टैक्स वगैरह आपको जो है वहां पे करना पड़ता है शिपिंग के साथ, ठीक है। अगर आप बिजनेस प्राइम आईडी से बाय करते हो किसी भी प्रोडक्ट को और वहां से लेके आप आगे सेल करते हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए 1 से 2 एसेंस के अंदर, ठीक है। अगर एक बंदा इसको सेल कर रहा है 23 का, तो दूसरा बंदा सेम प्रोडक्ट को तकरीबन 90 से $18 तक का सेल कर रहा हो, ठीक है। ताकि आप जो 23 वाली है वो आपकी लिस्ट है और आपके आपके पास ऑर्डर आए तो आप 16 वाले से लेके उसे आगे डिलीवर कर दो, ठीक है। आपकी जो प्राइस है, अगर आप कर रहे हो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, तो आपकी जो प्राइस है वो तकरीबन सेकंड पोजीशन पर लाई करनी चाहिए, आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर वो अमेजोन भी है
जो कि उसे सेल कर रहा है, तो आप सेकंड नंबर पे आओ, ताकि आने वाला जो बंदा है वो जब देखे कि दूसरे सेलर की प्राइस क्या है, तो सेकंड नंबर पे आपकी प्राइस शो हो और वो आपसे बाय कर ले, ठीक है। देयर शुड बी अ प्राइस डिफरेंस बिटवीन अदर सेलर्स, ठीक है, ये सारी मैं आपको बता चुका हूँ बात। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा दूँ कि जब आप बिजनेस अकाउंट से लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये टैग मिलने को टैग देखने को मिलता है, द आइटम कॉस्ट $154। अब 144 बिजनेस प्राइस है, ये देखो 149 बिजनेस प्राइस है, और जो है उसकी टोटल जो कॉस्ट होगी 154.26 का वो मुझे मिल जाएगा, फ्री शिपिंग प्लस जीरो टैक्स, ठीक है, 154 का मुझे मिल रहा है, और मैं इसको सेल कर सकता हूँ 200 प्लस का। मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा 155 कर लेते हैं। अब कैलकुलेट करते हैं, अब देखते हैं कितना मार्जिन हमें मिलता है इसके ऊपर, $52 हमें इसके ऊपर मार्जिन है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ अमेजोन पे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग समझ आई होगी, ठीक है। तो आपको ये जो वीडियो है ये इस चैनल पे मिलेगी, YT पे आप जाओ, यहाँ पे आप इसी वर्चुअल असिस्टेंट लिखो, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, कोई भी लेक्चर है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर किसी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए प्राइवेट लेवल की, तो वो भी मैं करवाता हूँ, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको उसके लिए मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा ये लिखा हुआ है, ये आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको सारा बता दूंगा, लेकिन वो पेड है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अभी हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि आप जो है FB पे जाओ, वहां पे आप लिखो EVN Amazon FBA, ठीक है, आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरा, ठीक है, इसी के नाम से मेरा पेज भी है, वो भी आप लाइक कर लो, ठीक है। अपडेट्स के लिए आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पर भी कर सकते हो, EVN के नाम से ग्रुप है, EVN Amazon FBA, ठीक है। तो अभी हम जो है आंसर क्वेश्चंस लेते हैं जिन लोगों के,